दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन की रैम को बढ़ाना चाहते हैं? दोस्तों, इंक्रीज करना चाहते हैं जिससे कि आपका फ़ोन जो है वो हैंग ना करे, बिल्कुल भी लैग ना करे। ऐसा करने के लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन की रैम को इंक्रीज करना होगा। आपका किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, कैसा भी फ़ोन हो दोस्तों, आप सभी फ़ोन के अंदर अपनी रैम को इंक्रीज कर सकते हो। मैं आज आपको दोनों फ़ोन के अंदर बताऊंगा जिस फ़ोन के अंदर ये सेटिंग नहीं मिलती है रैम इंक्रीज, तो दोस्तों आप अपने फ़ोन की रैम को कैसे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है, आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। जो पहले फ़ोन है दोस्तों उनके अंदर ये सेटिंग देखने को आपको नहीं मिलती है और आप अपने फ़ोन की जो रैम है उसको बढ़ा नहीं पाते और आपका फ़ोन ऐसे ही हैंग करता रहता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तो आप इसको देख लो कि आप अपने फ़ोन में जो आपके न्यू वर्जन है तो उसमें आप रैम कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप होम पेज पर आ जाओगे सेटिंग के। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा थोड़ा नीचे चलना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रैम एंड स्टोरेज स्पेस, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है अपने फ़ोन की रैम को इंक्रीज करने के लिए, दोस्तों यहाँ पर ऊपर दिया गया है रैम, रैम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा 4 GB टोटल रैम है। तो यहाँ पर मैंने यूज कितना किया है, 2.65 GB मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इतना मैंने रैम यहाँ पर यूज किया है। दोस्तों अगर मैं इसके अंदर कुछ और ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ तो मेरा फ़ोन हैंग करने लगेगा। अगर दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर आपको रैम बढ़ानी है, दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो दोस्तों कैसे आप अपने फ़ोन की रैम को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो एक्सटेंडेड रैम। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सटेंडेड रैम पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप रिस्टार्ट का यहाँ पर ऑप्शन आएगा 2-3 सेकंड के बाद दोस्तों, और आपका फ़ोन यहाँ से रिस्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों आपके फ़ोन की जो रैम है यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके फ़ोन की जो रैम है यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी। अगर दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर ये सेटिंग नहीं मिल रही है तो आपको फिर क्या करना है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको दूसरे फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। दोस्तों इसको आपको ध्यान से देखना है कि आपके फ़ोन की रैम कैसे इंक्रीज होगी जिस फ़ोन के अंदर आपको ये सेटिंग देखने को नहीं मिली। दोस्तों अब मैंने यहाँ पर दूसरा फ़ोन ले लिया है, अब हम इसकी रैम को इंक्रीज करेंगे। दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ अपने फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद कि मेरे फ़ोन के अंदर यहाँ पर रैम का ये ऑप्शन दिया गया है या नहीं। दोस्तों तो आप देख सकते हो मैं अपने फ़ोन की सेटिंग में आ चुके हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज। दोस्तों जिस फ़ोन के अंदर यहाँ पर स्टोरेज दिया गया है तो इस पर क्लिक करना है, और दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया लो स्टोरेज मैनेजमेंट, दोस्तों इससे अदर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रैम पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर रैम नहीं बढ़ा सकते आप। जैसे कि वहाँ पर आपने रैम पर क्लिक किया तो दोस्तों एक अलग ऑप्शन और आ गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर कुछ नहीं है। दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी रैम को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपने ये सेटिंग देख ली, अब आपको यहाँ से सब कुछ बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी फ़ोन की रैम को इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखना है जिसका नाम दिया गया है स्वैप। दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, यहाँ पर सर्च कर लेना है स्वैप। चलिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर सर्च किया तो आप देख सकते हैं स्वैप वाला ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों आपके फ़ोन में भी इस प्रकार से आ चुका होगा, तो दोस्तों इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हो। दोस्तों मैं अपना इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर आप इंटरनेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपको अपने फ़ोन की रैम इंक्रीज करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आपकी फ़ोन की जो रैम है वो इंक्रीज होगी जब आपका इंटरनेट ऑन होगा, क्योंकि दोस्तों तब हमारे फ़ोन का जो इंटरनेट है वो ऑन होगा, तभी हम इस एप्लीकेशन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कट कर देना है दोस्तों इस प्रकार से, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फ़ोन की रैम को इंक्रीज करना है। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, पर दोस्तों यहाँ से आप बढ़ा तो सकते हो, पर बढ़ाओगे कैसे, इसको बढ़ाने से रैम नहीं बढ़ जाएगा। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ जो सेटिंग है वो आपको अप्लाई करनी है, फिर आपके फ़ोन की जो रैम है वो इंक्रीज होगी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फ़ोन की रैम बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की साइड 512 MB, और दोस्तों नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन और भी दिए गए हैं, क्रिएटेड स्वैप, डिलीट स्वैप। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है अपनी रैम को इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी रैम को इंक्रीज करने के लिए अपने फ़ोन की मेमोरी को खाली रखना है, स्टोरेज खाली होना चाहिए। स्टोरेज खाली होने के बाद दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना है, आपके सामने जो ऐड आएगा उसको वॉच कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर अपनी रैम को इंक्रीज करने के लिए आप देख सकते हो इस पर क्लिक करना है, और जितना आप चाहो 2 GB,
या दोस्तों आप 4 GB, मैं तो कहूँगा अगर आप यहाँ पर 4 GB का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 6 GB यहाँ पर बढ़ा लेनी चाहिए, आप 4 GB आराम से यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको, चलिए मैं 2 GB बढ़ाकर दिखाता हूँ, आप इस प्रकार से जितना भी रैम बढ़ाओगे तो उतना आपका स्टोरेज खाली होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है क्रेट स्वैप, तो दोस्तों इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है वॉच इन ऐड टू रन, तो यहाँ पर आपको एक ऐड वॉच करना है ये बोल रहा है, तो इसका यहाँ पर एक ऐड आप वॉच कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और दोस्तों हम एक ऐड यहाँ पर वॉच कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे फ़ोन की रैम कितना यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो दोस्तों वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऐड आ जाएगा, आपको इस ऐड को पूरा वॉच करना है फिर ऊपर से कट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मेरा रैम जो है इंक्रीज हो चुका है, मेरा रैम बढ़ चुका है दोस्तों। आप ऊपर की साइड आप देख सकते हो 1 एनर्जी दोस्तों, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो 1 एनर्जी यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पर ये शो हो रहा है, तो आपका जो रैम है वो इंक्रीज हो चुका है। आप समझ सकते हो कि मेरा रैम बढ़ चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन की रैम को इंक्रीज कर सकते हो।